हैप्पी हेल्दी वेल्दी टाइम्स। आज मैंने बनाया है वाटरमेलन मिठाई। अभी ये दिखने में ऐसा है, ये पूरा वाटरमेलन है और जब हम इसको काटेंगे तो जिस तरीके से वाटरमेलन को काटने के बाद ये तीन कलर में होता है वाटरमेलन, रेड, वाइट और ग्रीन, ये ऐसा ही बनेगा। तो इसको कैसे बनाना है चलिए मैं इसकी रेसिपी बताती हूँ। वाटरमेलन मिठाई बनाने के लिए मैंने एक कप काजू लिया है, आधा कप चीनी, ये तीन चौथाई कप मैंने मिल्क पाउडर लिया है, आधा कप दूध, आधा चम्मच घी और ये छः मैंने इलायची लिया है जिसको मैंने मोटा क्रश कर लिया है। ये इलायची तरबूज की मिठाई में बीच का काम करेगा। सबसे पहले हम काजू को पीस लेंगे। तो एक मिक्सी का जार लेंगे, इसमें हम डाल देंगे काजू और इसको महीन पीस लेंगे। तो अभी पहले काजू पीस लेते हैं। काजू को मैंने महीन पीस लिया है, इसको महीन पीसना है, मोटा नहीं रखना है इसको। अब एक कढ़ाई लेंगे, गैस को ऑन कर देते हैं। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और कढ़ाई में डाल देंगे ये जो मैंने आधा चम्मच घी लिया है, इसको डाल देंगे। इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कप दूध। दूध जब उबल जाए उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ ये पिसा हुआ काजू। इसको अच्छे से मिला लेंगे दूध में। और हम इसको 2 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे। गैस का फ्लेम लो कर देते हैं, लो फ्लेम पे हम इसको 2 मिनट तक पकाएंगे और इसको चलाते रहेंगे जिससे कि ये कढ़ाई में चिपके नहीं। 2 मिनट हो गया है मुझे काजू को भूनते हुए। अब इसमें डाल देंगे मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर को इसमें अच्छे से मिला लेंगे। और इसके साथ ही चीनी। सारी चीजों को हम अच्छे से मिला लेंगे। गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे। इसमें आप मीठा अपने टेस्ट के हिसाब से ज्यादा कम कर सकते हैं। काजू से बना रहे हैं हम मिठाई तो काजू में थोड़ा कम मीठा ही अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने आधा कप डाला है। अगर आपको मीठा ज्यादा पसंद है तो आप इसमें 3/4 कप चीनी डाल सकते हैं। चीनी पिघलने लगा है, इसको चलाते रहेंगे। सारी चीजों को चलाते हुए हम 2 मिनट ही और पकाएंगे, ज्यादा नहीं पकाएंगे इसको, जब तक ये चीनी पिघल जाए। और पिघलने के बाद ये चीनी का जो पानी होता है वो सूख जाए तभी तक हम इसको चलाएंगे। 2 मिनट में ये आराम से हो जाएगा। 2 मिनट हो गया है, अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। मिठाई के मिक्सर को मैंने एक थाली में फैला दिया है जिससे कि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। मिक्सर ठंडा हो गया है, अब हम इसको 3 अलग-अलग भाग में बांट देंगे। एक हम ज्यादा रखेंगे
और दो को बराबर बराबर भाग में बांटेंगे। बड़े वाले में मैं डाल रही हूँ ग्रीन कलर, दो से तीन बूंद ही डालेंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे। ग्रीन कलर को मैंने अच्छे से मिला दिया है, अब हम रेड कलर मिलाएंगे। पहले वाले की तरह ही इसमें रेड कलर डाल रही हूँ मैं, और रेड कलर को भी इसमें अच्छे से मिला देंगे। और ये जो इलायची का बीज लिया था मैंने, जिसको क्रश कर लिया था, उसको भी इसमें डाल देंगे। इलायची इस मिठाई में बीज का भी काम करेगा और इससे मिठाई का टेस्ट भी अच्छा आएगा। तो रेड भी मैंने मिला दिया है, अब मिठाई बनाना शुरू करते हैं। तो पहले हम लाल से बनाएंगे, लाल की छोटी छोटी लोइयां बनाएंगे। इस तरीके से ये मैंने बना लिया है। इसी तरीके से पहले सारी रेड लोइयां बना लेंगे। सारी रेड लोइयां बन गई है, अब हम व्हाइट लोई बनाएंगे। तो रेड और व्हाइट दोनों लोई जो है वो हम सेम साइज की बनाएंगे। ग्रीन लोई को भी मैंने बना लिया है, तो ग्रीन वाली लोई जो है वो हम रेड और व्हाइट से थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे। तो अब हम इससे तरबूज बनाएंगे, तो व्हाइट वाले को इस तरीके से फैलाएंगे और इसके अंदर हम डाल देंगे ये रेड वाला। थोड़ा सा और फैला लेते हैं इसको और इसको हम बंद कर देंगे। जिस तरीके से हम पराठे में स्टफिंग भरते हैं उसी तरीके से इसको अंदर भरना है, और इसको इस तरीके से बंद कर देंगे। ये मैंने व्हाइट में रेड वाले को भर दिया है, अब हम ग्रीन वाले को भी उसी तरीके से फैलाएंगे। और इसको ग्रीन वाले के अंदर डाल देंगे। थोड़ा और इसको फैला लेते हैं और इसको भी हम उसी तरीके से बंद कर देंगे। तो ये हमारा एक वाटरमेलन मिठाई बनके रेडी है। इसी तरीके से मैं सारी मिठाई बना लेती हूँ। वाटरमेलन मिठाई बनके रेडी है, एक मैं काट के दिखाती हूँ। एक और काट लेते हैं। लग रहा है ना ये बिल्कुल तरबूज की तरह। तो आप भी बनाना और बताना ये कैसा बना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।